यूपी में बीजेपी की बड़ी बढ़त हुई है। 3 साल पहले फेसबुक डाटा लीक मामले को लेकर चर्चा में आए जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। खुद दिनेश शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवा दी है। आपको ये बड़ी और अहम जानकारी हम इस समय पहुंचा रहे हैं। 3 साल पहले फेसबुक डेटा लीक मामले को लेकर ये चर्चा में आए थे। अमरीश त्यागी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। एसपी बीएसपी समेत कई नेता आज बीजेपी में शामिल हुए। अमरीश त्यागी जो बड़ा नाम है उन्होंने भी आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी के बेटे हैं अमरीश त्यागी, इन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। और एएनबी न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर त्रिशूल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मसले पर तमाम चर्चा के साथ। त्रिशूल जी, उत्तर प्रदेश में कुनबा भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमरीश त्यागी ने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सारे समीकरण आपसे समझना चाहेंगे। देखिए पल्लवी, सबसे बड़ी चुनौती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। अगर पूरे 12 जिलों को जोड़ते हैं तो तकरीबन 71 सीटें हैं जहां पर चुनौती मिलने वाली है। अब 2000 अगर आप पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ये जो छोटी छोटी जातियों को सहेजने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अमरीश त्यागी मुरादनगर से कैंडिडेट हो सकते हैं। गाजियाबाद जिले की सीट है विधानसभा की। बात यह नहीं है कि एक सीट पर विधायक हो सकते हैं, बात यह है कि त्यागी वोटों को अपने साथ जुटाना। क्योंकि देखिए 2013 में जो दंगे हुए थे उसके बाद जब ये जाट और मुस्लिम समीकरण पूरी तरह बिखर गया था तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ था। और जो बीएसपी एसपी आरएलडी जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से वहां पर 2000 जो ये चुनाव थे 18 के 17 में वहां पर वो धराशायी हो गया था। अब ऐसे में जब दोबारा चुनाव है उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो एक मिथक था वो टूट गया है और वो जो जाट और मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कहीं एकीकृत होता नजर आ रहा है। कल भी हम ये बात बता रहे थे कि जयंत चौधरी पैर छूते हैं अहमद जौला के, तो जो कि किसान आंदोलन के नेता रहे और टिकैत के काफी करीबी रहे। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत खाप पंचायत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अब ऐसे में पूरा जो गन्ना बेल्ट है, गन्ना बेल्ट की जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती है। और उसी सियासी समीकरण को साधने के लिए ये जो एक प्रयास है कि छोटी छोटी जातियां उनको कहीं प्रतिनिधित्व दिया जाए विधानसभा सीटों पर, उसी में गुर्जर है, वैश्य है, ठाकुर, ब्राह्मण, त्यागी, जाट। अभी जो उद्घाटन अलीगढ़ में किया था त्यागी राजा महेंद्र सिंह के जाट समाज से होने की याद दिलाकर यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास किया था वो भी कहीं इसी कड़ी में एक कवायद है कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधा जाए। आप देखिए अगर आप पूर्वांचल में जाएंगे तो पूर्वांचल में विनय शंकर तिवारी जो कि हरिशंकर तिवारी जो कि उत्तर प्रदेश की जो बाहुबली राजनीति है उसका बड़ा नाम रहा है, उससे कल या परसों अखिलेश यादव की मीटिंग हुई है तो अखिलेश यादव भी ये काम कर रहे हैं। और वहीं योगी आदित्यनाथ और भाजपा भी ये काम कर रही है कि छोटी छोटी जातियों को सहेज कर अपने साथ लाया जाए, तभी जो सियासी समीकरण गड़बड़ा गया है। और जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां पर जाट और मुस्लिम एक हो रहा है और कहीं किसान आंदोलन की जो हवा है उससे भी बीजेपी झुलस रही है, तो ऐसे में ये छोटी छोटी जातियों को साधने का एक समीकरण है उनके पास। शुक्रिया त्रिशूल जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी भी आपने हम तक पहुंचाई। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जीओटी मोबी ऐप एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।